Sarojini, Hembram. माननीय सभापति जी, आज के माहौल में बच्चों के उनका अधिकार दिलाना और सुरक्षित रखने के दृष्टि से ये विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे इस बिल के ऊपर बोलने का मौका देने के लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ। इस मौके पर अपनी पार्टी बीजू जनता दल और हमारे नेता उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नवीन पटनायक जी का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे संसद के इस उच्च सदन में उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करने और जनता की सेवा करने का अवसर दिया। महोदय, मेरे पिताजी भी मेडन स्पीच जी मेरे पिताजी भी सीपी माझी 72 से 78 तक इस उच्च सदन में और सांसद रह चुके हैं और वो पेट्रोलियम केमिकल्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं और स्टेट में भी एसटीएससी और एजुकेशन मिनिस्टर जब थे वो विशेषकर आदिवासी महिला और दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के शैक्षिक विकास के लिए पूरे जिंदगी काम किए हैं, जो कि मुझे प्रभावित किया और उन्हीं की राह में चलते हुए मैं भी पॉलिटिक्स में आई और मैं भी स्टेट में एमएलए थी और हैंडलूम टेक्सटाइल मिनिस्टर भी रह चुकी हूँ और अभी इस उच्च सदन में फिर से मुझे जो मौका मिला और जनता के सेवा के लिए और यहाँ उच्च सदन में आके बहुत अरसे से मुझे मेडन स्पीच बोलने का जो मौका बहुत अरसे के बाद मुझे मिला है, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आज जो विषय चर्चा हो रही है चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम, केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक चैलेंज की तरह उभरा है। लेकिन 2001 की जनगणना हिसाब से भारत में सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक है। सर, गरीब और सामाजिक सुरक्षा की कमी बाल श्रम का प्रमुख कारण माना जाता है। 80% बाल श्रमिक जो ग्रामीण क्षेत्र में हर 4 में से 3 बच्चे अपने माता पिता द्वारा कृषि क्षेत्र में ज़्यादातर बच्चे पाए जाते हैं और 14 से 18 सालों के अंदर के बीच 20% जो खतरनाक काम में नियोजित होते हैं। तो भारत समेत विश्व में सभी विकासशील देश में बाल मजदूरी का सबसे मुख्य कारण गरीबी, शिक्षा की कमी, अमीर और गरीब के बीच फासला में वृद्धि और भूखमारी बाल श्रमिक के अन्य कारण हैं। 5.5 मिलियन बाल श्रमिक ज़्यादातर बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र के केंद्रित हैं। महोदय, आज जो राज्यसभा में चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट बिल 2012 दिसंबर 12 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इस बिल में ये प्रावधान है कि एक बच्चे जो 14 साल की उम्र से कम है और एक किशोर जो 14 और 18 साल के अंदर है, उनको शिक्षा अधिकार आईन 2009 के तहत प्राथमिक शिक्षा दिया जाना चाहिए। लेकिन आज तक इसका फायदा ठीक तरह से नहीं मिला है। तो सर, भारतवर्ष में प्रारंभ से ही बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन आज की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है। बाल श्रम के वजह बच्चे का भविष्य अंधकारमय होता जाता रहा है। गरीब बच्चे सबसे अधिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। बचपन हर एक के जीवन का सबसे खुशनामा और जरूरी अनुभव माना जाता है, क्योंकि बचपन बहुत जरूरी और दोस्ताना समय होता है सीखने का। आपने माता पिता से बच्चों को पूरा अधिकार होता है, प्यार और परवरिश का, स्कूल जाने का, दोस्त के साथ खेलने का। जो बाल मजदूरी हर दिन ना जाने कितने अनमोल बच्चों का जीवन बिगड़ रहे हैं। बाल श्रम मानव अधिकार का खुला उल्लंघन है। ये बच्चों का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, सामाजिक हितों का प्रभावित करता है।
बच्चे आज भी परिवेश में घरेलू नौकर की कार्य कर रहे हैं, वो होटल, कारखानों, बीड़ी फैक्ट्री, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पटाखे की कारखाना और दुकानों आदि में काम कर रहे हैं, जिसमें उनका बचपन पूर्णतः प्रभावित हो रहे हैं। महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 में ये स्पष्ट करना करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र की किसी भी बच्चे का ऐसे काम या कारखानों में इत्यादि में ना रखे जाए जो खतरनाक हो। कारखाने अधिनियम, बाल अधिनियम, बाल श्रम निरोधक अधिनियम आदि भी बच्चे के अधिकार को सुरक्षा देते हैं। सरकार द्वारा बच्चों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं का प्रारंभ किया गया है, जिसमें बच्चों के जीवन और शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन बाल श्रम की समस्या फिर भी विकट समस्या के रूप में विराजमान है। जो कम उम्र के बच्चों को जिस कारखाना या फार्म या दुकानों में काम कराया जा रहा है, उन सब जगह में ठीक तरह से वो छापा पड़े और उन सब मालिकों या एम्प्लॉय के विरुद्ध सख्त कार्यवाही होना चाहिए। मैं इसका सबमिशन मेरा है। और बाल श्रम या बच्चे नियोजित किए गए जगह पर रूटीन जांच होना चाहिए, जो इसके लिए जिले में कलेक्टर या एसपी तो महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, और जो बच्चों को रेस्क्यू करते हैं उसको कैसे एजुकेट ठीक तरह से उनको एजुकेट करना चाहिए। और जो पढ़ने के जो पढ़ना चाहते तो वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो हमारा जिला मयूरभंज जिला है, बहुत बड़ा जिला है, 26 ब्लॉक है, उसमें जो बच्चों लोग को रेस्क्यू किया जाता है, उनको एक जगह में वो रखा जाता है, पढ़ाई भी करते हैं वो लोग, लेकिन पढ़ाई के बाद भी उनको ठीक ढंग से उनको वोकेशनल ट्रेनिंग या तो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने से वो एम्प्लॉयमेंट में उनका सुविधा होगा, ये मैं सुझाव देना चाहती हूँ। और बार बार जो लोग गलती कर रहे हैं उनके जो जुर्माना 10,000 रुपये है उनका और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो नियम कानून है वो ठीक तरह से ना होने से हम जो आज बिल जो ला रहे हैं उसका ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। और जो एनजीओज हैं उनका और भी एक्टिव होकर इस दिशा में काम करना चाहिए। और महोदय, बिल में जो प्रावधान है, कोई 14 साल के कम से का बच्चा अगर स्कूल के बाद अपना परिवार के बिजनेस में हाथ बढ़ता है तो अपराध के श्रेणी में नहीं आएगा। इस प्रावधान का कारण चाइल्ड लेबर को रोकने में मुश्किल हो सकता है। उसी तरह फिल्म या टीवी में काम करने वाले बच्चों भी शोषण का शिकार होते हैं, तो उन्हें छूट देते हुए भी ये बात ध्यान में रखी जानी चाहिए थी। और दूसरी बात यह है कि जिला स्तर पर चाइल्ड लेबर की मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये महत्वपूर्ण बात है। मेरे सुझाव है कि स्थानीय एमपी को इसका मॉनिटरिंग अधिकारी भी मिलना चाहिए। जहाँ तक खतरनाक उद्योग की परिभाषा की सवाल है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की इसकी परिभाषा काफ़ी व्यक्त है, हमें भी उस परिभाषा को अपनाना चाहिए। और इस बिल में अच्छी बात है कि चाइल्ड लेबर से मुक्त कराए गए बच्चियों को पुनर्वास के लिए फंड की व्यवस्था बहुत ही जरूरी है, इसीलिए ये बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही में मैं कहना चाहूँगी कि चाइल्ड लेबर में भी अधिकांश वीकर सेक्शन के हैं और दलित आदिवासी बच्चे शामिल होते हैं, इसीलिए भी पिछड़े समुदाय का विकास बाधित होता है। चाइल्ड लेबर हर प्रकार से शोषण की शिकार बनते हैं, इसीलिए हमें ना सिर्फ चाइल्ड लेबर का कानून बनाना होगा बल्कि ज़मीन पर उनका सही इम्प्लीमेंटेशन भी करना चाहिए, तभी जाकर के सभी सुधार आएगा। और हमारे
उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन्म से लेकर मृत्यु तक कई लोकप्रिय योजनाएं बनाए हैं। शिशु और माँ के लिए ममता योजना, गरीब घर में शिशु जन्म के बाद 5,000 रुपये की वो 4 किस्तों में सहायता दिया जाता है। 3 सालों से 6 साल तक बच्चे के लिए नुआ अरुणिमा योजना में प्राक विद्यालय का शिक्षा दी जाती है। निर्माण श्रमिक है उनके बच्चों के लिए सहायता दी जाती है। मछुआरे जो है उनको परिवार बच्चों के लिए 3,000 से 7,500 तक सहायता दी जाती है। गवर्नमेंट स्कूल और एडेड स्कूलों में 1ली कक्षा से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए 4 जोड़े यूनिफॉर्म मुफ्त में दिया जा रहा है। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम में 9वीं और 10वीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने के लिए 3,200 रुपये आर्थिक सहायता दिया जाता है। सब गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और एडेड हाई स्कूलों में जो लड़कियां 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही हैं उनको साइकिल दिया जाता है और ST SC BPL परिवार छात्रों को भी साइकिल दिए जाते हैं। इसी कारण ड्रॉप आउट बहुत ही कम हुआ है। इसके अलावा बच्चे और महिलाओं के ज़रूरत समय पर तत्काल मदद के लिए महिला और शिशु डेस्क योजना बनाया है। उड़ीसा के सभी पुलिस थाने में शिशु डेस्क स्थापना की गई है और महिला श्रमिक के 2 बेटियों के शादी में सहायता राशि 5,000 रुपये मदद दी जाती है। Excuse me, for a second. Kindly listen, this is her maiden speech. Please listen to her. I appeal to everybody, please listen to her. Please continue. हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर महोदय जी, इस अहम बिल में के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया गया, इसीलिए मैं आपके आभार प्रकट करती हूँ और हमारे देश के, हमारे बच्चे भविष्य के लिए इसमें कानून का सख्त बनाने और इस्तेमाल करने के लिए सरकार से विनती करती हूँ। इसके साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।